भाऊजान, आपसे एक बात कहूँ, बड़ा ही कोई ठंडा इंतकाम लिया आपने मुझसे मेरे मैच हारने का। लेकिन बेटा ये चाय तो बहुत गरम गरम दिख रही है। नहीं 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 भाऊजान, इसकी तरफ देखिएगा भी मत, सब गुना मिलेगा आपको। इसमें ऐसी क्या खास बात है? वो जो अंदर चाय पीने वाली मशीन बैठी ना, मुहद निजा, दो दो कप चाय के साथ पी जाती है। आई समझ आपको? नहीं। जैसे आप गुल्लू मामा के लिए शायरी करते ना, वो अपने शम्मू के लिए जो है दो दो कप चाय पीती है, और दोनों सूरतों में बिजली किस पे गिरती है? इस मासूम माला पे। हाय गुल्लू, तुम मुझे किस मोड़ पे छोड़कर चली गई? मुजार साहब ने कहा है, इस मोड़ से जाते हैं कुछ सुस्त कदम रस्ते, कुछ तेज कदम राहें, पत्थर की हवेली को शीशे के घरेलुओं से, तिनकों के नशे मन तक। चलिए इस मोड़ से जाते हैं। बस ये लीजिए। थैंक यू यार, इस बुक का जरा लास्ट क्वेश्चन बताएंगे? नहीं, पहले मैं चाय पीऊंगा फिर जवाब दूंगा। नहीं, पहले आप क्वेश्चन का जवाब देंगे फिर चाय पियेंगे। नहीं, मैं ठंडी चाय पीता नहीं हूँ। और आपने सुना, जो लोग ठंडी चाय पीते हैं उन पर ट्रस्ट नहीं किया जाता। कहाँ से लाते हैं आप ऐसे चाय वाले मुहावरे? हम सब चाय लवर्स का एक ग्रुप है, जानती हूँ उसका नाम क्या है? क्या? चाय इश्किया। या अल्लाह, किसने रखी है इनको? बाऊजान ने। सस्ते टीचर रखेंगे तो ऐसे होगा। अरे सस्ते का, ये तो बहुत महंगे पड़ रहे हैं चाय की वजह से। सही कह रही हो। हाँ जी बच्चों, अब पूछो क्या सवाल पूछ रहे हैं। सर भूल गया आप, इतनी देर में जब आप चाय की बातें कर रहे थे। चलो अब तो मैं चाय पी रहा हूँ, तुम लोग कल का टेस्ट करो। क्वेश्चन ही नहीं पता। डॉक्टर साहिबा, खुदा ना खास्ता बेटी तो नहीं? खुदा ना खास्ता से क्या मुराद है आपकी? वो मेरी तीन बेटियां पहले भी हैं, चौथी भी बेटी होगी तो क्या हो जाएगा? बस दुआ करें अल्लाह ताला बेऐब औलाद दे, बेटा हो या बेटी कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे ससुराल वालों को पड़ता है। तो आप उन्हें समझाइए कि औलाद औलाद ही होती है, जिनके पास नहीं है उनसे पूछें। और अल्लाह ताला ने साफ साफ कहा है, वो जिसे चाहे बेटा दे और जिसे चाहे बेटियां। इसका मतलब है इस बार फिर बेटी? इसका कोई मतलब नहीं है, बच्चे की पोजीशन की वजह से उसका जेंडर नहीं पता लग पा रहा, लेकिन आपका बेबी बिल्कुल ठीक है। हाँ सारे, I'm just coming। आप अपनी रिपोर्ट्स रिसेप्शन से कलेक्ट कर लीजिएगा। ना बेटा दीदी, माशाल्लाह बड़ा फिट रखा हुआ है आपने खुद को। जी बस जिम जाता हूँ ना, रोजाना वर्कआउट करता हूँ। जितना फिट और हैंडसम है आप, आपको तो शोबिस में ट्राई करना चाहिए। अच्छा, चाहे तो मैम से पूछ लें आप। मैम बताएं फिर आप, मुझे शोबिस ज्वाइन करना चाहिए, क्या मैं दानिश तैमूर की जगह ले सकता हूँ? क्यों नहीं। अरे आराम से, जिन का से आ गया तुम्हारे अंदर? तुम्हारे अंदर का जिन निकाल रही हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ जल रहा है। अरे यार तुम नहीं भाई, ये मशीन जल रही है, डॉक्टर मशीन जल रही है। मेरे अलावा किसी और पे ध्यान दोगे ना, ये ही होगा। अरे घरों, तुम्हारे अलावा मैं किसे देखता हूँ।